मैं काफी दिनों से पेपरों पे मसरूफ था। मैंने अपने मास्टर गेट की सफाई भी की थी। हफ्ते बाद मैंने मास्टर गेट की सफाई की है। देखिए कितना सारा ये गाना निकला है। और आज हमने क्या करना है, इनके सामने नेस्टिंग मटेरियल डालने हैं। मेरे पिजन्स ने नेस्टिंग करनी है, उन्होंने अंडे भी देने हैं। अब मैं सारे के सारे गन को फेंकता हूँ और इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल ले आता हूँ। चलिए अब मैं इसको फेंक के आता हूँ और इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल लेके आता हूँ। दोस्तों ये मैं नेस्टिंग मटेरियल लेके आया हूँ, इसको मैं इनके आगे डाल देता हूँ। नाम है अहमद नसीर, ये मेरा छोटा भाई अयान नसीर। दोस्तों आज हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो आज वापस से हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। आज आपने देखा था मैं एक के बाद मास्टर केज में आया था, इतना सारा गन था, मैंने सारी सफाई की थी, इतना सारा गन निकला था। और दोस्तों मैंने इनको नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया था, तो क्या सही घोंसला बनाया ताकि वो घोंसला बना ले ना, उन्होंने अंडे दे। दोस्तों आप कह रहे होंगे हमने शेख चिली और चीकू को आज़ाद क्यों छोड़ा हुआ है। दोस्तों हमने शेख चिली और चीकू को आज़ाद इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों हमारे घर के पक्के हो जाए। ये मतलब तो कल हुआ था। हाँ दोस्तों कल क्या हुआ, कल हमारा शेख चिली उड़ गया, दो मिनटों में ये आसमान में ऊंचा चला गया, फिर हमें नजर आने बंद हो गया, इतना दूर चला गया। हमने कहा लो भाई शेख चिली तो गया, लेकिन 15 मिनट बाद शेख चिली वापस हमें नजर आने लग गया, फिर आकर यहाँ पर बैठ गया हमारे मास्टर खेत के ऊपर। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी है कि कोई ना कोई तो हमारा बाजी वाला कबूतर भी हमारे सेटअप का पक्का हो गया है। दोस्तों हम काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, हम ऐसे करते हैं आपको ना अपने बर्ड दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हनी बनी बंटी और इन गुब्बारों को बंद किया हुआ है ऊपर वाला पोर्शन में। तो यहाँ पे हमने पिकाचू लालू और बबली जो दोनों बहन भाई हैं इनको हमने इधर शिफ्ट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने सोना चांदी को बंद किया हुआ है, धूप ही बहुत ज्यादा आ रही है। और दोस्तों मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मजे की बात बतानी है, आए मास्टर गेट में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। दोस्तों ये हमारे इस मोटू को देखें, देखिए इसको गौर से देखें, जैसे जैसे ये बड़ा हुई जा रहा है इसके आगे से गुब्बारा बनी जा रहे है। ये बड़े मजे की बात है, हमें तो लग रहा था इसका नहीं बनना, लेकिन इसका तो गुब्बारा बन रहा है। देखे देखे उसको गौर से देखे, अभी से तितर को मारे था साफ नजर आया था। और दोस्तों मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ, इसमें ये डोरेमोन शिजुका ने ये देखिए अंडे भी दे दिए। हमने इनके लिए रखा था ना कि इसमें नेस्टिंग करें, तो डोरेमोन शिजुका तो सबसे पहले इसमें अंडे दिए। ये देखिए ये इन्होंने दोनों अंडे दिए हुए हैं। और दोस्तों ये हमारे राजा रानी भी सबसे मस्तियां ही किए जा रहे हैं। ये मार के छतरी ना गिरा दे, इन्होंने छतरी बार बार ये ऊपर से ना नीचे गिरा देते हैं, बार बार खड़ी करनी पड़ती है। और ये लैला मरीनू का तो अभी कोई मूड नहीं है नेस्टिंग वगैरह करने का। दोस्तों मैंने इनके सुबह के काम कर लिए हुए हैं, अब हम मिलते हैं इनके दाने के वक्त। दोस्तों अब इनके दाने का टाइम हो गया, मैं इनको दाना डालता हूँ, उससे पहले मैं इन सबको मास्टर गेट में शिफ्ट कर देता हूँ। Thank you.
पिंकी आ गया है। इनको खाने देते हैं दाना, तो खा रहे हैं। अभी देखते हैं, इसमें 2 मिनट बाद इन्होंने खत्म भी कर देने हैं। ये बारी बारी खाते रहते हैं, जैसे बारी बारी मारते हैं दूसरे को। दोस्तों, इन किंडर डॉन के पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन जैसे इनके दाने का टाइम होता है 3:30 पे, ये बिल्कुल ठीक उसी टाइम पे यहाँ पर आ जाते हैं दाना मांगने। पता है इनके पास घड़ी भी थी, इनका टाइम का कैसे पता चल जाता है। दोस्तों, अभी किंडर डॉन दाना खा लेते हैं, मैं इनको नीचे भेज देता हूँ। दोस्तों, हम यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए हम दोनों को इजाज़त दे दीजिए।